मारवाड़ी होके अगर आप दिवाली में गुजिया नहीं बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत टेस्टी और एडिक्टिव होती है। और क्या आपके यहाँ भी ऐसी बनती है? 1 kg मैदे से लगभग 150 गुजिया बन जाती है, और इसमें मोयन के लिए 100 ग्राम घी और 100 ग्राम तेल डला है, पर आप प्योर घी या प्योर तेल की भी बना सकते हो। पूरा अच्छे से मिक्स करने पे ऐसी पिट्ठी बन जाए तो हम आटा लगाने के लिए रेडी हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके एक सख्त आटा लगा लेंगे, जैसे नमकीन का रहता है। आई नो ये काफ़ी अनइवन लग रहा है, पर ये अभी ऐसा ही रहेगा। 20 मिनट्स इसको ढक के साइड में रख देंगे। अब इसकी फिलिंग बनाना काफ़ी इजी है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। तो एक कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे, और जब इसका कलर चेंज हो जाए इसको निकाल लेंगे। अब उसी घी में 1/2 kg सूजी डाल के भूनेंगे, और हमारे इस रेसिपी में पोस्ता दाना या खसखस डलता है, जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, पर इससे टेस्ट काफी इनहांस होता है। और साइड बाय साइड में ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर ले रही हूँ। सूजी को दूसरी बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि फिलिंग पूरी इसमें नहीं बनी। यहाँ हमने मार्केट से लाया हुआ 1 kg मावा लिया है, और ये थोड़ा ज्यादा गीला था, इसलिए इसको 5-10 मिनट भून के चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा नारियल का बुरादा, थोड़ा चिरौंजी दाना और 1 चम्मच इलायची को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस बंद करके मावा के मिक्सचर को सूजी में ऐड करा, और उसमें 1 kg शक्कर डाली, है ना? लग रहा है ना बहुत टेस्टी। अब आटे को थोड़ा मत लेंगे, और आप देखोगे इसमें क्रैक्स जा चुके हैं। इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए, और बिना ऑयल लगाए पूड़ी के साइज का बेल लिया। गुजिया के सांचे कई प्रकार के आते हैं, लोहे के और प्लास्टिक, पर सबसे बेस्ट ये प्लास्टिक वाला होता है, चीप होता है और अच्छा भी। अब बेली हुई पूड़ी को सांचे के ऊपर रखेंगे, फिर इसके बॉर्डर में मैदे की स्लरी लगाएंगे, और लगभग 1.5 चम्मच फिलिंग ऐड करने के बाद चम्मच से ही इसको सेट कर लेंगे, फिर बंद करके एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे, और इस प्रोसेस में काफ़ी मज़ा आता है। ये काफ़ी इजीली बन जाती है, इन केस आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर से फट जाए तो आप उसको मैदे की स्लरी से बंद कर सकते हो। अब गरम तेल में हाई फ्लेम करके पूरी गुजियों को डाल लेंगे, और पूरी डालने के बाद लो फ्लेम करके इसको अच्छे से भूनेंगे, तो लगभग 5-7 मिनट लगते हैं। और ये एक थोड़ी फट गई थी तो इसको मैंने निकाल लिया है लास्ट में भूनने के लिए। बस अब इसको गोल्डन कलर आने के बाद निकाल के इंजॉय करेंगे।